डब्ल्यूबी गैंग, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में चेकआउट करने वाले हैं विच इज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड साइंस 2। जी हाँ स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10th एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एट द सेम वे आपके यूनिट टेस्ट, आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस, आपके टर्म एग्जामिनेशंस, इन सभी एग्जामिनेशंस में कौन से लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इस पे हम एकदम डिटेल में चेक करेंगे। और स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से इस साल में आप सभी के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ, उसी प्रकार से पिछले साल, जी हाँ स्टूडेंट्स, 1 लाख नहीं 2 लाख नहीं, मतलब 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हमारे पर्टिकुलर वीडियो को देखा था। और आप कमेंट जाके देख सकते हो स्टूडेंट्स के कितने परसेंट इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आए थे। अंदर की बात बोलू, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए थे, उसमें से ही बोर्ड एग्जामिनेशंस, प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस, टर्म एग्जामिनेशंस, इन सभी एग्जामिनेशंस में अपीयर हुए थे। अभी स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है, भैया के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, या फिर एट द सेम वे बोर्ड वालों के साथ भैया की कोई सेटिंग नहीं है। बट द थिंग इज दैट स्टूडेंट्स के पिछले 3-4 सालों से लाखों स्टूडेंट्स को मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन गाइड कर चुका हूँ, अलग अलग एडटेक प्लेटफॉर्म्स पे भैया पढ़ा चुके हैं, तो उन सभी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे भैया आपके साथ नॉलेज शेयर करते हैं। और स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके यूनिट टेस्ट, टर्म, प्रीलिम्स सभी एग्जामिनेशन के लिए होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करूं, अगर किसी को फर्स्ट चैप्टर आ रहा है यूनिट टेस्ट में, तो जो मैं उसका इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट देने वाला हूँ, वही कॉन्टेंट आपके यूनिट टेस्ट में भी आएगा, और वही टर्म में भी आने वाला है, और वही प्रीलिम्स में भी आएगा, और वही पर्टिकुलर चीज है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आने वाले हैं। सो सिट बैक एंड रिलैक्स। और स्टूडेंट्स, जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, मोबाइल सामने रख दो, और एट द सेम वे पेन पेपर लेके बैठो, पेन पेपर इन द सेंस की टेक्स्ट बुक और क्वेश्चन जो भी है वो लेके बैठो, जिससे कि आप भैया के साथ टिक कर सको। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमारे पास पूरा की पूरा जो कंटेंट है वो पूरा की पूरा 10 चैप्टर का कंटेंट है। इसमें से अगर मैं सबसे ज्यादा वेटेज कौन से चैप्टर्स को होंगे, तो सबसे ज्यादा वेटेज 3rd चैप्टर 4th चैप्टर को दिया गया है। मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक्स इन पर्टिकुलर 2 चैप्टर्स में से पूछने के बोर्ड वालों ने बताया है, इन दोनों टॉपिक्स में से मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। एनिमल क्लासिफिकेशन को बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि भैया एनिमल क्लासिफिकेशन में नाम्स, किंगडम्स वगैरह बहुत सारी चीजें, तो हम उनके क्वेश्चन आंसर्स कैसे लर्न करें, उनको किस प्रकार से लर्न करें, तो स्टूडेंट्स टेंशन नहीं लेना है, उसके भी ट्रिक्स और जुगाड़ भैया इस पर्टिकुलर वीडियो में बताएंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप पूरा वीडियो एंड तक देखोगे और हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करोगे और साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दोगे। तो स्टूडेंट्स, याद से सब्सक्राइब कर देना है, अपना ही चैनल है, जो कि आगे चल के 11th 12th में भी आपको बहुत ज्यादा एफिशिएंट रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने सब्सक्राइब कर दिया है, लाइक कर दिया है, शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में स्टूडेंट्स, ये पहले का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, इस इंट्रोडक्टरी पार्ट को नहीं पूछते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, स्टूडेंट्स इस पे 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूछते ही है, कंपलसरी है, इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको दिखेगा, मतलब दिखेगा। एक तो आपको इन तीनों में से कोई भी 2 पे डिफ्रेंसिएशन बिटवीन पूछ लेंगे, या फिर आपको तीनों में से कोई भी 2 पे या फिर 1 पे आपको शॉर्ट नोट्स पूछ लेंगे, या फिर डिटेल में आपको आंसरिंग करना पड़ेगा फॉर द 4 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए, कि आपको तीनों प्रोसेसेस आपको डिटेल में बताने हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरा तो यही सजेशन होगा कि इसको डाइजेस्ट में से नहीं, बल्कि इसको आपके टेक्स्ट बुक में से लर्न करो। देखो स्टूडेंट्स, आपको डायग्राम्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने डायग्राम्स लर्न नहीं भी किया तो भी चलेगा। म्यूटेशन पे स्टूडेंट्स डिफाइन पूछा जा सकता है, म्यूटेशन मतलब कि अ सडन चेंज इन द पर्टिकुलर न्यूक्लाइड्स, जो भी हमारे न्यूक्लाइड्स होते हैं उन पर्टिकुलर चीजों में म्यूटेशन होता है, जैसे थायमाइन, एडिनाइन, साइटोसिन, ग्वानाइन, तो इन पर्टिकुलर चीजों में म्यूटेशन हो जाता है, तो वो आप पूछ सकते हैं। इवोल्यूशन पे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हाँ, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन करके जाना है। एविडेंसेस में स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं तो एविडेंसेस में सबसे पहले जो मेन वाला होता है वो होता है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। एनाटोनॉमिकल अभी तक इतना ज्यादा नहीं पूछा गया है, तो मैं तो उसको सजेस्ट नहीं करूंगा। वेस्टिजियल ऑर्गन्स, और सीधा सीधा आपको आ जाना है विच इज अपने एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस पे। तो देखो 6 एविडेंसेस है, उसमें से 3 भैया ने बताए हैं, ये आपको करके रखना है। डार्विन्स थ्योरी के अगर पूछे गए तो उनके मेन ऑब्जेक्शंस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, कि देखो डार्विन्स के बस ऑब्जेक्शंस पे ही क्वेश्चन आते हैं, अभी तक नहीं है, तो इतना पहले क्या कर देना, इतना पहले टॉपिक लिख देना कि भाई ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में सभी चीजें हुई थी, उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी सभी चीजें, और आफ्टर सम पर्टिकुलर थिंग्स कि उनके थ्योरी पे ऑब्जेक्शंस लाए गए थे, तो 3 ऑब्जेक्शंस कौन से थे, तो ये वाले 3 ऑब्जेक्शंस है, तो ये 3 ऑब्जेक्शंस करके रखने, ठीक है। देखो ये हीरो कितने सही दिख रहे हैं, ठीक है। ह्यूज रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ द साइंटिस्ट एंड ऑल ऑफ द बायोलॉजिस्ट, बट हाँ मैं अभी आपको फनी वे में बता रहा हूँ, लेकिन हाँ चलो ठीक है। उसके बाद
लैमार्किज्म, लैमार्किज्म पे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाएंगे। स्पेसिफिकेशन ह्यूमन ह्यूमन पर्टिकुलर, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ये वाला क्वेश्चन मुझे प्लीज सभी जन चैट्स में बताना, ये वाला क्वेश्चन किसके किसके यूनिट टेस्ट में पूछा गया है भाई। 100% पूछते हैं, यूनिट टेस्ट हो, टर्म एग्जामिनेशन हो या फिर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, क्योंकि बॉक्सेस की पहले ही इस पर्टिकुलर चैप्टर्स में कमी बहुत ज्यादा होती है, तो पहले से ही देते हैं। तो एविडेंसेस ऑफ इरोशन तो आप लिख सकते हो, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, और फिर आप लिख सकते हो विच इज अपना पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। तो 6 में से कोई भी दो, और दो आपको भरने हैं यहाँ पे, दो तो दिए वाले हैं। मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस आर द एविडेंसेस विच आर बेस्ड ऑन द आउटर अपीयरेंस, ठीक है। फिर हम ये तो देखो फिल इन द ब्लैंक, मैंने देखो लैमार्किज्म आपको बोला, एम्ब्रियोलॉजी भी मैंने बोला, तो इसमें से आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, डेफिनेशन तो आपको पता है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी बता दिए हैं। अभी देखो स्टूडेंट्स इसमें से कौन से आने के चांसेस है, ठीक है, मेरे ऊपर वाले क्वेश्चंस को जरा अच्छे से देखना। इनमें से स्टूडेंट्स एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, इसके सबसे ज्यादा आने के चांसेस है, और आपका लास्ट वाला मतलब ई वाला एफ के ऊपर का, ठीक है, मेरे ऊपर का, ठीक है, मेरे ऊपर का। सो डिफाइन फॉसिल, तो डिफाइन फॉसिल पे क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आना चाहिए ही ये इस पे क्वेश्चन। तो देखो स्टूडेंट्स आपके टर्म एग्जामिनेशन और आपके यूनिट एग्जामिनेशन में भी बहुत बार ये पूछा गया होगा, जिसके जिसके यूनिट टेस्ट में पूछा गया था सही में मुझे कमेंट्स में बताना है कि हाँ भैया ये पूछा गया था ये वाला, और आपने जो बोला था ना ये वाला, ये आया था, मतलब आया था पेपर में हमारे, ठीक है, ओके। लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट टू, तो पार्ट टू में देखो स्टूडेंट्स ये वाला डायग्राम आप करके रखना, पिछले साल है ना बहुत सारे डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस आए थे, सो डायग्राम्स करके रखना। ओसियोफेगस है, फिर फेरानिक्स है, फिर नोज है, फिर माउथ है, सभी चीजें, तो ये आप करके रख सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स हैंड्स डाउन ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल, मतलब कि ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, और ईटीसी मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेयर, इन पे क्वेश्चन आते हैं, मतलब आते हैं, कभी कभी इनके डेफिनेशंस भी पूछ लेंगे या फिर एक एक मार्क के लिए कभी ये पूछ लेंगे, तो ऑलवेज रिमेंबर में ध्यान में रखना। NADH2 और FADH2, NADH2 का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, इट इज फुल फॉर्म ऑफ FADH2, ठीक है, इनके डायग्राम्स वगैरह नहीं आते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स hands down these two questions will be appearing in most of the examination. देखो students anaerobic respiration आने के chances इस बार के examination में ज्यादा है, क्योंकि aerobic respiration मतलब कि जो हवा के presence में होता है, anaerobic मतलब कि जो बिना हवा के presence में respiration होते हैं, तो इनके यहाँ पे जो simple complexes है उसमें conversion किया गया है। तो students मैं आप सभी को यही suggestion करूंगा कि ये दोनों charts को please 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 for God's sake please इसको अच्छे से करके रखना है, इनके चांसेस सबसे ज्यादा। जैसे उस पर्टिकुलर चैप्टर में मैंने बोला था कि एविडेंसेस पे आते हैं, तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर सीधा 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 नीचे आ जाना, नीचे आ जाना, नीचे आ जाना, नीचे आ जाना, यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। उसके बाद मियोसिस माइटोसिस, इनके डिफरेंस बिटवीन पूछेंगे, ठीक है। पूरी प्रोसेस तो अभी तक पूछा नहीं गया है, ना ही डायग्राम पूछा गया है, या फिर कभी कभी आपको डायग्राम दे देंगे, उसको बस आपको नाम देना है, ऐसा भी हो सकता है। बट मैं तो यही सजेशन करूंगा कि आप मियोसिस माइटोसिस को जो होगा डिटेल में भले ही अगर आपसे लर्न ना होता हो पूरे फेजेस, तो मैं तो यही कहूंगा कि बस आप डिफरेंशिएशन बिटवीन तो भी करके जाओ, अगर डिफरेंस बिटवीन आया तो थोड़े तो भी पॉइंट्स आप मन से लिख सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन में आई गेस डाइजेस्ट में या फिर अपेक्षित में अराउंड अराउंड 8 या 6 पॉइंट्स है, तो अगर 6 पॉइंट्स भी हो गए, 6 इधर के 6 इधर के, तो आपको 3 मार्क मिलेंगे, 8 पॉइंट हो गए तो 4 मार्क आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब याद रखना है 2 मार्क का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको 4 पॉइंट्स कंपलसरी लिखने हैं, मतलब लिखने हैं, सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, ओके। फिर स्टूडेंट्स बाकी तो कोई है ही नहीं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है। देखो डेफिनेशंस है, तो डेफिनेशंस तो ग्लाइकोलिसिस मैंने पहले ही बता दिया, एरोबिक रेस्पिरेशन भी बता दिया है। देखो मैंने क्या बोला था, मियोसिस माइटोसिस के आएंगे, ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल ये तो आएगा ही। देखो स्टूडेंट्स कॉन्टेंट में वो एकदम इंपॉर्टेंट होता है ना, तो वो आने ही वाला है, ठीक है, उसमें ऐसा पूछने की कोई बात नहीं है। स्टूडेंट्स देखो इसी पर्टिकुलर चैप्टर में आई गेस व्हाई वी फील एग्जॉस्ट आफ्टर एक्सेस एक्सरसाइजिंग, ऐसा कुछ तो भी क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाई वी फील टायर्ड आफ्टर एक्सेस ऑफ एक्सरसाइजिंग, तो आई गेस वो बिना स्टार वाला क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आने के चांसेस है, मतलब है 100% है, ठीक है। आई गेस यहाँ पे इधर नहीं दिया है मेरे ख्याल से, बट वो बिना स्टार का है, शायद इसी चैप्टर का है, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो इसी चैप्टर का है, तो आप प्लीज उसको करके जाना। क्या है, वी फील एग्जॉस्टेड आफ्टर एक्सेस एक्सरसाइजिंग, ऐसा कुछ होगा, या फिर वी फील टायर्ड आफ्टर एक्सरसाइजिंग, इन दोनों में से कुछ तो भी क्वेश्चन है, तो आप उसको कर सकते हो। इसमें से स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला करके रखो, डी वाला करके रखो और ई वाला करके रखो,
ठीक है, जो मैंने बोला ग्लाइकोलिसिस देखो पूरा करना है आपको, मियोसिस माइटोसिस यहाँ पे तो कोई नहीं है, और ये मैंने बोला था जैसे अनएरोबिक रेस्पिरेशन का, तो आप वो चार्ट कर सकते हो। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस पार्ट थ्री स्टूडेंट्स, इसका मैं इंपॉर्टेंट नहीं दूंगा क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही सबसे ज्यादा वेटेज वाला है, तो मैं तो आप सभी को यही कहूंगा कि अगर हाँ इसमें से अगर कर सकते हो तो बडिंग पढ़ के जाना। ठीक है, असेक्सुअल में से अगर आप कुछ कर सकते हो तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से बडिंग करके जाओ, सेक्सुअल और हाँ बडिंग और शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, विच इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब कि वेजिटेबल्स में से जो भी है विच इज प्रोपोगेशन होना शुरू होते हैं, तो उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। स्पोर फॉर्मेशन वगैरह फालतू चीजें, उस पर ध्यान मत दो। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो ये तो कंपलसरी आता ही है, तो इसमें तो बोलने की जरूरत नहीं है। एंड्रोशियम गाइनोशियम डबल डबल फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बनता है, सभी चीजें, सो ये चीजें तो आपको करनी पड़ेगी। उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग, एमआरएस एफआरएस। एमआरएस मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एमआरएस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एफआरएस मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का देखो स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्ट, देखो मेल का डायग्राम तो नहीं आएगा, कैसे बना सकते हो यार मेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम? ठीक है, वो बोर्ड वालों ने खुद किधर से तो भी छापा है, तो अपने को कैसे बनाते आएगा, है ना? तो इस पे तो डायग्राम से तो क्वेश्चन आएंगे नहीं। ठीक है, साथ ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कोई बना नहीं सकता है, तो इस पे देखो लॉजिकल बात है यार। ठीक है, लॉजिकल बात, देखो पेपर जो बनता है ना वो सभी के हिसाब से बनता है। ठीक है, आपके जैसे होशियार बच्चे भी बहुत सारे होंगे, मेरे जैसे नमूने बच्चे भी बहुत सारे होंगे जो कि पेपर को अपियर करेंगे, तो आपको देख के और मेरे को देख के बोर्ड वाले पेपर बनाते हैं, समझ में आ रहा है? तो ये चीजें ध्यान में रखना, क्या पता SBWB को देख के भी पेपर बना रहे होंगे। ठीक है ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स आएगा मतलब आएगा। ठीक है ओके, उसके बाद ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो स्टूडेंट्स ये डायग्राम आ सकती है आपको, जैसे दिख रहा होगा डायग्राम आ सकती है, और इस डायग्राम में आपको बस वो जो बॉक्सेस दिए जाएंगे खाली बॉक्सेस, वो आपको फिलअप करने, नेमिंग या फिर लेबलिंग हम जिसको कहते हैं वो, या फिर आपको अगर मेल रिप्रोडक्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछा भी तो आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये इस पे तो नहीं पूछा गया था अभी तक, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे भी नहीं पूछा गया था क्वेश्चन अभी तक, मेंस्ट्रुअल साइकिल आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद IVF सुरोगेसी। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स जिसको हम कहते हैं, वो स्पर्म बैंक वगैरह नहीं पूछते, ठीक है ना, ऐसी चीजें नहीं पूछते हैं बोर्ड वाले। ट्वींस वगैरह में पूछ सकते हैं, ठीक है, अच्छे दिख रहे हैं यार। ठीक है, ट्वीन गर्ल्स एज 18 मंथ्स, ठीक है, क्या बात है, रीना मीना पीना, ठीक है, चलो नो रीना इज हार्म्ड इज दिस पर्टिकुलर वीडियो। देख रहे हो स्टूडेंट्स अपना पॉपुलेशन देख रहे हो, 1901 में इतना थे, आज देखो 2011 में, अभी तो 2023 चल रहा है, जरा डाटा निकालो कितना पॉपुलेशन बढ़ा है। ओके देखो, इनमें से आप डरो मत, इनमें से कुछ नहीं आएगा, बस सी वाला आएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर अगर किसी का प्रैक्टिस करके जाना है यूनिट में टर्म में बोर्ड में, तो आपको फ्लावर विथ इट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वही बनाना है, एंड्रोशियम गाइनोशियम वगैरह वगैरह, कैलियक्स वगैरह, वही चीजें आपको बनानी है, उसके अलावा नहीं। ओके, जेंडर ऑफ द माइंड, देखो यार स्टूडेंट्स अगर मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपको इस पर्टिकुलर बोर्ड एग्जामिनेशन में पैराग्राफ आ जाए, और यही वाला पैराग्राफ आए। वैसे तो पिछले साल भी मैंने बोला था कि पैराग्राफ आना चाहिए, और स्टूडेंट्स पिछले साल नहीं आया था, लेकिन इस बार पूरा की पूरा अश्योरिटी है कि इस बार पैराग्राफ आना जरूरी है, आना चाहिए, और ये पर्टिकुलर पैराग्राफ आप करके रखो। ठीक है, लेकिन हिस्ट्री का पेपर नहीं है तो पैराग्राफ आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा आप सभी के लिए कि भाई पैराग्राफ आ जाए जिससे कि अच्छे चार चार पांच पांच मार्क मिल जाए। ठीक है, उसके बाद एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर चैप्टर्स के ना आपको क्या करना, एक ही चीज ध्यान में रखना, एनवायरमेंट मैनेजमेंट और इसके बाद का चैप्टर, फोर्थ चैप्टर फिफ्थ चैप्टर, इनके जितने भी बॉक्सेस है सभी बॉक्सेस आपको लर्न करके रखने, और बस स्टार वाले करके रखो। ठीक है, मतलब बॉक्सेस अंदर के, ध्यान से सुनो ए लाला, ध्यान से सुन, पूरे के पूरे बॉक्सेस टेक्स्ट बुक के अंदर के, और जो भी क्वेश्चन आंसर्स आप लर्न करोगे ना फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर के, ये पूरे कहाँ के, विच इज टेक्सुअल स्टार वाले हम जिसको कहते हैं। तो देखो इधर जितने भी बॉक्सेस दिख रहे ना स्टूडेंट्स, प्लीज फटाफट से बॉक्सेस कर देना। अभी आप यहां तक अगर वीडियो देख रहे हो तो मुझे बताना नेचुरल फैक्टर्स कौन से है। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने, जो हमारे फादर ऑफ द नेशन है, उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज हम सभी के साथ शेयर किया था, द अर्थ इज सफिशियंट टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड बट नॉट द ग्रीड, मतलब कि अर्थ जो है वो सभी को सफिशियंट है उनके नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन अगर ग्रीड में बदल गए मतलब लालच में बदल गए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको एक घर रहना बहुत
एक घर में हम सभी जन रह सकते हैं, लेकिन ह्यूमन की चाह होती है कि मेरे पास चार चार पांच पांच घर होना, ये होना वो होना, तो वो हो जाती है एक प्रकार से ग्रीड। लेकिन हमारी नीड क्या है, नीड को आइडेंटिफाई करके हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब नेचर को हार्म पहुंचा रहे हैं। तो मेरे को बोलो कौन से नेचुरल फैक्टर्स के तीन नाम लिखो और मैनमेड फैक्टर्स के तीन नाम लिखो, ठीक है? लिखना है लाला तेरे को, और लाली तेरे को भी लिखना है चैट में। ओके, फिर उसके बाद मैंने जैसे बोला ना स्टूडेंट्स, पूरे बॉक्सेस करके रखो। देखो पेज नंबर 40 पे का बॉक्स, ठीक है? फिर हाँ भाई, ठीक है। ह्यूज सल्यूट टू जाधव मोलाई पयांग सर जी, जो कि बहुत मतलब उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया था। लगभग लगभग अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो 1,360 करोड़ में, करोड़ एक सॉरी 1,360 एकर्स में पूरा की पूरा फॉरेस्ट उन्होंने फैलाया था। और ये इस वजह से हुआ था क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो रिवर थी वहां पे एक फ्लड आया था उस रिवर में, उसके वजह से बहुत सारे सांपों का मतलब डेथ हो गया था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मोलाई पायांग सर जी ने जस्ट 20 बाम्बू प्लांटलेट्स बनाए वहां पे, और 1979 में 200 हेक्टर की जमीन भी उनको दी, अफॉरेस्ट किया गया। अफॉरेस्टेशन देखो, एक होता है डिफॉरेस्टेशन, एक होता है अफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि झाड़ों को काटना, अफॉरेस्टेशन मतलब कि झाड़ों को लगाना। ओके, और उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया था, मेनी पीपल कम टूगेदर टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ मिलके पूरे फॉरेस्ट को नष्ट करेंगे, बट एक सिंगल पर्सन अगर डेडिकेट होगा तो वो पूरा एक नया फॉरेस्ट बना सकता है, उगवा सकता है। तो ह्यूज सल्यूट टू जादो मोलाई पयांग सर जी। ओके, तो स्टूडेंट्स हम फिर सेक्रेट ग्रूव्स पे क्वेश्चन आते हैं, मैं बताऊंगा, ठीक है? फिर माय रोल इन एनवायरनमेंट। देखो मैं क्या बोला कि आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के बॉक्सेस वगैरह करके रखने हैं और बाकी के सब स्टार वाले क्वेश्चंस, ठीक है? जैसे मैंने बोला इसमें से चिपको मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, सेक्रेट ग्रूव्स इंपॉर्टेंट है, और लेसन का नाम ही है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, तो भाई वो तो आएगा ही। तो फर्स्ट सेकेंड और डी, ए बी डी, ये इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ए वाला, और राइट द टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो हमने देखा ये वाला, ठीक है? फिर उसके बाद राइट द नेम ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ये आ सकते हैं। और स्टूडेंट्स मैं जो बहुत सारे बच्चों के एग्जामिनेशन में ये वाला भी क्वेश्चन आया होगा, देखो रिसाइकल वगैरह का है ये, सेव वाटर, और ये सोलर एनर्जी का है, राइट? तो ये वाले जो है ना स्टूडेंट्स, इसके बोलते हैं कि इनके ये बताओ क्या बोलते हैं, मतलब ये जो सिंबल्स है ये सिंबल्स आखिर क्या डेडिकेट करते हैं ऊपर वाले, तो आप प्लीज जरा ये करके जाना, ठीक है? जो जो इंपॉर्टेंट बोले। अभी हम सीधा सीधा टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। तो स्टूडेंट्स हैंड्स डाउन जैसे मैंने बोला सभी बॉक्सेस आपको करने हैं, ठीक है? अभी मैं इस पर टाइम पास नहीं करूंगा, सभी बॉक्सेस आप करके रखो, जितने भी बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, हरे नीले काले पीले पर्पल पिर्पल सब सब बॉक्सेस यू हैव टू डू दैट। और फिर सीधा सीधा क्वेश्चन एंड आंसर्स पे आ जाओ। देखो जैसे भैया एकदम फटाफट से पेजेस पलटा रहे, उसी प्रकार से गिव साइंटिफिक रीजंस, गिव साइंटिफिक रीजंस का इसमें से आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, बट मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट वाला करके रखो और लास्ट वाला करके रखो, ठीक है? उसके बाद डिफरेंस बिटवीन में से फर्स्ट वाला करके रखो, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये दोनों करके रखना है आप सभी ने। फॉसिल्स का तो हमने पहले देख लिया। डायग्राम तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे बोला तो ये चारों डायग्राम्स आप अगर वो बॉक्सेस करोगे तो वो चारों डायग्राम्स आपके आ जाएंगे, ठीक है? एनिमल क्लासिफिकेशन, स्टूडेंट्स एनिमल क्लासिफिकेशन का आपको कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन आंसर्स। जी हाँ स्टूडेंट, आप बोलोगे भैया एक भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं आएगा, पक्का गारंटी है? हाँ, एक भी क्वेश्चन आंसर्स आपको नहीं आएगा, लेकिन 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 आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस प्रकार के, बता रहा हूँ, ठीक है? चल भाई जल्दी जल्दी, ये ऐसा मेरे को है ना रात को नींद नहीं आएगा, ऐसा पिकॉक बिकॉक देख रहा हूँ ना, ईगल बीगल, ईगल नहीं है बैट वगैरह। देखो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपको, या इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपको डाइजेस्ट में दिखते हैं कि लेबल करो वो कौन से किंगडम से आते हैं, कौन से सब किंगडम से आते हैं, कौन सा फाइलम है, ये सभी चीजें आपको पूछी जाएगी, बाकी का अंदर का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। स्टूडेंट्स अभी तक मैंने इतनी इतने सारे पेपर्स देखे हैं, अभी तक स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं पूछा गया है, और अगर पूछा जाएगा तो साइंटिफिक रीजन पूछा जाएगा। तो साइंटिफिक रीजन में ऑल वर्टिब्रेट्स का करके रखो, ये बहुत सारे के पेपर में आया होगा, और बेलेनोगोलस इज अ कनेक्टिंग लिंक, बस सी और डी करके रखो, सी डी करके रखो, और एक अगर आपको लगी रहा है तो ई वाला करके रखना, लेकिन सी और डी अच्छे से करके रखना, ठीक है? अभी बस ध्यान में आया कि ई वाला भी आ सकता है, कि रेप्टाइल का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहना कांस्टेंट नहीं रहता है वो वाला, और बाकी आपको सीधा सीधा क्या करना है, लेबलिंग। मतलब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन कैसे आते हैं,
सपोज फॉर एग्जाम्पल ऐसा आया, आपको पीकॉक दे दिया, ठीक है। अभी पीकॉक ये कौन से क्लास से आता है, कौन सा सब किंगडम है, किंगडम है, ये सभी चीजें आपको पूछे जाती है, वर्टिब्रेट से, इनवर्टिब्रेट से, सभी चीज। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइलम पूछा गया, इचिनोडर्माटा, ठीक है। अभी इचिनोडर्माटा के आपको तीन चार पॉइंट्स लिखने हैं और उनके एग्जाम्पल्स लिखने हैं। फिर स्टारफिश आएगा, स्टारफिश के आपको लिखने हैं कि भाई वो ऐसे ऐसे है, वैसे वैसे ओशन में फाइंड आउट किए जाते हैं, वो ई सिलोमेट होते हैं, वो ट्राइबोप्लास्टिक होते हैं। इस पे अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो बता देना। वैसे लार्वल स्टेज मतलब कि बेबी स्टेज, ठीक है, जब वो छोटे रहते हैं वो वाला, ठीक है, बहुत डिटेल में बता सकता हूँ मैं। ओके चलो, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। फटाफट से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा के रख दो। सेवन चैप्टर विच इज हमारा इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, इसके नाम से ही बच्चे डर जाते हैं, टेंशन लो मत, बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही हम नीचे नीचे आएंगे, देखो स्टूडेंट्स, ये जैंथम गम, मेरे को बताना किसके किसके एग्जामिनेशन में जैंथम गम पूछा गया था। बहुत सारे मतलब लगभग लगभग 100% के बच्चों के पेपर में पूछा गया होगा, ठीक है। जैंथम गम और माइक्रोब्स का करके रखना है आप दोनों ने, और सीवेज का, ठीक है, ये बॉक्सेस तो करके रखो। क्वेश्चन आंसर्स में स्टूडेंट्स, बी वाला आपको करके रखना है, डी वाला, ई वाला और जी वाला, ठीक है, इतने आपको करके रखने हैं। एट द सेम वे साइंटिफिक रीजन में आपको बी वाला करके रखना है, दैट्स इट, ठीक है। इस चैप्टर से इतना ही करोगे, और क्वेश्चन आंसर्स में से व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रोब्स, और लास्ट वाला ब्रेड स्पॉन्जी क्यू है, ठीक है, यही वाला पूछेंगे, बाकी कुछ नहीं। सेल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स, ये पिछले साल पूछा गया था, ठीक है, ये वाला पूछा गया था। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी इट इज नथिंग बट इट इज अ स्टडी ऑफ सेल्स, ओके, या फिर उनके ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स इन द सेंस कि सेल के पार्ट्स हम जिसको बोलते हैं। सो डायग्राम करके रखो, आ जाओ तुरंत नीचे नीचे नीचे, हाँ ये वाला नहीं, इसको नहीं पूछेंगे, चलो आ जाओ नीचे 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 नीचे। एक्सरसाइज करो स्टूडेंट्स, देखो पहले तीन चार चैप्टर ही आपको अंदर से करने, व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, ये तो आपको भाई बोलने की बात नहीं आनी चाहिए, करना है करना है। देखो यूजेस ऑफ स्टेम सेल आपको करने हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स, तो शॉर्ट नोट्स में बायोटेक्नोलॉजी एक प्रोफेशनल यूज, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर उसके बाद मेरिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो स्टूडेंट्स अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, जो कि देख ही रहे हो, तो फटाफट से बायोटेक्नोलॉजी के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ है, तो चार तो भी मेरिट्स लिखो, मेरिट्स मतलब कि यूजेस। फिर इसके बाद इसको कहते हैं हम कोरिलेशंस, तो कोरिलेशंस करके रखना है हर, मतलब पहला चैप्टर ऐसा है जिनमें कोरिलेशंस है, तो इस चैप्टर इसको अच्छा खासा करके रखना, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला, अपने वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो, वैसे व्हाई सम ऑर्गन्स आर इन ह्यूमन बॉडी इज वैल्यूएबल, ये तो नहीं पूछेंगे। वैक्सीनेशन पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि कोरोना अभी अभी नया नया था 2 साल पहले, तो मे बी देर आर चांसेस कि वहां पे वैक्सीनेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, सो यू हैव टू डू द वैक्सीनेशन क्वेश्चन। उसके बाद नाइन्थ लेसन, तो क्या ही बोलू स्टूडेंट्स मैं, ठीक है, नाइन्थ लेसन तो पूरा मन से है, मतलब मन से कर दो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ वगैरह, कौन से फैक्टर्स है, मन से है, ये देखो ना, ठीक है, ये सही में कहानी है या नहीं है बोलो, कहानी घर घर की, मेरे को बोलो, पहले मम्मी घर में खींचती थी, चल बेटा घर में चल, तुम जब छोटे थे, अभी मम्मी बाहर ढकलती है, चल निकल रहे, बाहर निकल रहे, भाई कितना मोबाइल पे बैठ रहा है, कितना बाबू छोना जादू टोना करेगा है। ओके, ये देखो कैसे हंस रहे हैं, भाई मेरे को बोलो काम धंधे है या नहीं है कुछ तुमको, क्या बस हंसते रहते हो, कभी भी देखो बुक खोलो हंसते रह रहे हो, ये नीला वाला तो भाई ऑड मैन आउट है क्या, इसको देख के अक्षय कुमार का याद आता है। चलो, सो आई होप स्टूडेंट्स दिस इज वेरी मच क्लियर टू यार, लाफ्टर क्लब है तो भाई थोड़ा हंसी मजाक तो करूंगा मैं, स्ट्रेस पहले स्ट्रेस में हूँ, ओके। इनके स्टूडेंट्स सभी करके रखो यार, सोशल डिजास्टर मैनेजमेंट पे आते हैं। अरे आप बोलोगे भैया यार सोशल हेल्थ में से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं बोला, अरे स्टूडेंट्स सोशल हेल्थ में से क्या ही इंपॉर्टेंट बोलू मैं, सब तो मन से लिखना है आपको, ठीक है, सब तो मन से लिखना है। पिछले साल वालों में ये पूछा गया था, योर ब्रदर स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड हैज डेवलप्ड स्ट्रेस, बोलना हम 10वीं में, हमको भी स्ट्रेस है, ठीक है। तो ऐसे व्हाट विल यू डू, तो ये खुद का है, ठीक है ना, तो ये मन से भी लिखे तो आपको वो हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पर्सनल रिस्पांस, ठीक है, पर्सनल रिस्पांस मराठी में क्या बोलते हैं पर्सनल रिस्पांस को। ओके, डिजास्टर पे आएंगे हम, डिजास्टर, ठीक है, आ जाओ। देखो ये बॉक्सेस वगैरह करके रखो, जितने भी बॉक्सेस रहते हैं ना स्टूडेंट्स, सब बॉक्सेस करके रखना, बड़े बड़े नहीं, ज्यादा भी बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे। इनके देखो आएगा तो क्या आएगा, ये वाला करके रखो रे भाई, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड, ठीक है, 5 तो भी लर्न करके रखो। ओके, देखो ये वाले आएंगे, ये वाले सिंबल जो होते हैं ना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 8 का सिंबल्स, ठीक है, ये वाले जो सिंबल है पूछे जाते हैं, मेरे को बोलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हाँ इन 9 सिंबल्स के मेरे को नाम लिखो चैट्स में, ठीक है,
इन 9 सिंबल्स के भैया को चैट्स में नाम होना चाहिए, जितने भी बच्चे लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं। तो जितने भी मैंने 3-4 क्वेश्चंस पूछे हैं सभी बच्चे लास्ट में लिखेंगे, मेरे को भी तो समझे मेरे लाला लोग कितना पढ़ाई कर रहे हैं। ओके एंड आफ्टर दैट देखो स्टूडेंट्स, शॉर्ट नोट्स में डिजास्टर मैनेजमेंट आएगा और मॉक ड्रिल आएगा। ये एक्ट वगैरह नहीं पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे कैसे एक्ट लर्न करेंगे ना, इसमें तो भी थोड़ा मन से लिख सकते हैं। सो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और मॉक ड्रिल, तो ये आप करके रखो। उसके बाद व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये करके रखो। एंड विच डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन फॉर पेशेंट्स। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारे पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं समाप्त। तो स्टूडेंट्स आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो वॉज वेरी वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। और मैं वापस एक बार बोल दूं, दिस आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके यूनिट टेस्ट, प्रीलिम्स, बोर्ड एग्जामिनेशन और एट द सेम वे टर्म एग्जामिनेशन, सभी एग्जामिनेशन में आपको दिखेंगे। और जब मैं इम्पोर्टेंट बोलता हूँ स्टूडेंट्स, तो इनमें से आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ठीक है। अगर आप इतना कर लोगे तो आराम से 30 मार्क तो आप गिरा ही लोगे, लेकिन पूरा कर लोगे। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा भी करोगे तो जाहिर सी बात है आप आउट ऑफ मार्क्स भी गिरा सकते हो। सो दिस आइडेंटिफाई दिस थिंग, ये दिमाग में बैठा के रखो। दिस आर द ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनमें से आने के चांसेस बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा है, आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स जिस प्रकार से आपने पिछले वीडियो को प्यार दिया था, आई होप इस वीडियो को भी आप उसी प्रकार से प्यार दोगे। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करोगे चैनल को, शेयर करोगे, क्योंकि हमको छोटी सी फैमिली नहीं, बड़ी फैमिली हमको बनानी है। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। टिल देन मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, तब तक पीस आउट।